अहमद साहब जो हमारी करम फरमाए हैं, मेरे यकीन मानिए मैं भी उनका शुक्रगुजार हूं। हमारे मेहमान जो ईदगाह से हमारे बहुत जाने पहचाने हैं, सभासद हैं हमारे फहीम एडवोकेट साहब, समाजवादी पार्टी की बहुत हिमायत में बोलते हैं वो, और इस मोहल्ले के हमारे सबके हमारे नेता, हमने तो इनके कॉमरेड शरीफ साहब से बहुत कुछ सीखा है। यकीन मानिए हम तो इनको ही जब से पैदा और बड़े हुए हैं, इनको ही राजनीति में हमने देखा है, और हमेशा पूरे समाजवाद और सोशलिस्ट हमेशा गरीब और कमजोरों की हमेशा आवाज बुलंद करने वाले कॉमरेड शरीफ साहब यहां तशरीफ फरमा। मेरे भाई यकीन मानिए हमारे अकबर भाई, इन्होंने बहुत कुछ हमें राजनीति में सिखाया है। ये जरूरी नहीं होता है कोई एमपी एमएलए बन जाए, वो आगे चला जाए, वो ज्यादा जानता हो, लेकिन ये तो मुकद्दर और तकदीर का मालिक है, अल्लाह पता नहीं किससे कौन सा काम ले। मेरे सीनियर साथी हमारे बहुत मजबूत अकबर भाई, हमेशा समाजवादी पार्टी को हमेशा जब जब जरूरत पड़ी है इस शहर में जान डालने की पूरी कोशिश की है, और यहां के तमाम हमारे शाहिद पहलवान साहब हैं जो पूर्व फाइजाजी से तस्सीम लाए हैं, अगर मैं नाम लेना हुआ तो बहुत देर हो जाएगी, और यकीन मानिए कश्यप साहब जो बेचारे हमारे पार्टी से जुड़े हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और इस मीटिंग को आयोजित करने वाले, मैं जानता हूं कि मीटिंग कितनी मुश्किलों से बुलाई जाती है और कैसे आदमी इकट्ठा होते हैं, कॉमरेड शकील साहब हमारे, इलियास हारी इलियास साहब हमारे, आकिल साहब और तमाम उनके साथी और इस मोहल्ले के तमाम बुजुर्ग, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका और उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे यहां बुलाकर मेरी हिम्मत अफजाई की है, मेरी हौसला अफजाई की है, मेरी हिम्मत अफजाई की है। हमारे वक्ताओं ने बहुत सारे, आपने बहुत अच्छे विचार सबने सुने हैं और समाजवादी पार्टी की हिमायत में सब बोले हैं, मैं उनका सबका भी धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन साथियों बोलने को तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन आप इतनी देर से बैठे हैं, जरूर इंशाल्लाह मैं दो चार बात कहकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप थक गए हैं पूरी तरह से, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं और यह एहसान आपका मैं उतारूंगा नहीं, अपने दिल पर रखूंगा और आपके कदमों में बैठकर आपकी खिदमत करने का पूरा जज्बा रखता हूं। साथियों देखिए 2012 में भी मुझे आपने चुनाव लड़ाया था, और यकीन मानिए हम ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ऐसी है जो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है और चुनाव में लड़ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस शहर में बहुत सारे एमपी एमएलए आपने, मेयर तमाम लोगों को बनाया है आप, लेकिन हमारे एक समाज इस शहर में मौजूद है, ज्यादातर लोग यहां बैठे हैं, हमारे तमाम बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले गए, उनकी भी एक ख्वाहिश थी, एक अरमान था आजादी के बाद कि हमारा कैसे यहां पर एमएलए बनेगा, हमारा कैसे यहां पर रहनुमा बनेगा जो हमारी आवाज को उठाएगा, सब वो दिल के दिल में लेके चले गए। 20 साल का दौर ऐसा आया राजनीति में साथियों के पैसे वालों के सामने पैसे वाला और गुंडे के सामने गुंडा। मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे समाज एक अरमान एक ख्वाहिश हमारे तमाम बुजुर्ग ले रहे थे कि हमारा बच्चा हमारा भाई इस शहर का कैसे एमएलए बनेगा, कैसा हमारा ये रहनुमा बनेगा जो हमारी आवाज को बुलंद करेगा, मैं पूछना चाहता हूं ना आपके बेटे पे ना आपके भाई पे पैसा है, ना आपका भाई गुंडा है, पैसे वालों के सामने पैसे वाला गुंडे सामने गुंडा, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह साहब ने ये फैसला किया कि इस समाज को हम आगे बढ़ाएंगे और एक गरीब के बच्चे को टिकट देकर आपके बीच में भेजने का काम किया, और इस भरोसे पे भेजा कि अपने समाज का तो काम करेगा, इस शहर के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा, इन सब मुसलमान दबे कुचले कमजोर लोगों की जब जब आवाज दबेगी, आवाज उठाने का आवाज बुलंद करने का काम लेके सड़क से विधानसभा तक करेगा, ये उम्मीद कर उनको टिकट दिया। और मैं यहां से जब से जीत के गया हूं दोस्तों, एमएलए कोई बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपसे, बहुत बड़े बड़े आदमी वहां एमएलए हैं, ये एक संवैधानिक पद है, इसका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है,
आप बहुत भोले लोग हैं, आप बहुत शानदार लोग हैं, आपको नहीं मालूम दोस्तों। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों आपसे, मैंने आपसे भरोसा दिया था, अपनी पार्टी से भरोसा दिया था कि यहां की जब जब जरूरत पड़ेगी मैं समाजवादी पार्टी और मेरी पार्टी और मैं पूरी हिमायत करेंगे। जब आप देखिए यहां पर सरकार बनी